सभी का धन्यवाद, सभी किसानों का धन्यवाद। और कई दिन बाद में ये वीडियो डालने का उपड़ा, और वो भी ये पड़ा कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वे देश के किसानों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं बहुत दिन से। उनसे हमको बचना है। अब वो तिरंगे के नाम पे किसानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तिरंगा देश का है, तिरंगा हमारा है, तिरंगा किसानों का है, तिरंगा देश की जनता का है। इन्होंने अपने मुख्यालय पे जो नागपुर में है वहां पे कभी 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराया बहुत दिन तक, और आज ये हरियाणा में यही तिरंगा जो है इसको यात्रा निकाल रहे इस तिरंगे की। तो ये है कि अगर किसान इसको रोकेंगे तो ये कहेंगे देखो जी ये तिरंगा यात्रा इन्होंने रोकी। कोई भी किसान इनको जो निकालनी है, इनका 15 दिन का अभियान चलेगा, ये तिरंगा है कम से कम इन्होंने देश का तिरंगा तो हाथ में लेने का शुरू करा। ये तो लेते ही नहीं थे, ये तो भगवा हाथ में रखते थे। आज आप लोगों के प्रेशर में इन्होंने तिरंगा हाथ में लिया। इनकी यात्राओं को कल से कोई भी हो ना करें, क्योंकि ये तिरंगे के नाम पर बदनाम करेंगे। हम अपनी यात्रा 5 तारीख से निकाल लेंगे, उसका कहां कहां का रूट रहेगा, और सभी किसान उसको निकालना शुरू करेंगे। उसका रूट हम बनाएंगे, हम भी निकाल लेंगे, हमारी 15 तारीख तक चलेगी, वो बताएंगे। 4 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें पूरा डिक्लेरेशन उसका करेंगे, कहां कहां से उसके रूट रहेंगे पूरे उसमें निकलेगा। और ये तो है कि हम 15 अगस्त में मुख्यालय पे हम अपने ट्रैक्टर पे तिरंगे लगा कर जाएंगे, उससे पहले भी हमारी यात्रा ही निकलेगी। वो कहां कहां निकलेगी, ये तिरंगा हमारा है, तिरंगा देश का है, तिरंगा देश की शान है। तो मैं अपने सभी नौजवान भाइयों से, किसानों से जो हरियाणा में हैं, उनसे कहूंगे कि आप अगर इनका यात्रा रोकेंगे तो ये कहेंगे देखो इन्हें तिरंगे का अपमान करा, ये हमारे ही वेश में आएंगे, तिरंगे को बदनाम करेंगे, अपने आप यात्राएं रोकेंगे। तो आप उससे बचकर रहे, इनको निकालना निकाल लें, कम से कम तिरंगा तो हाथ में लिया। और आप सभी का धन्यवाद है इनको, कोई भी आप क्योंकि तिरंगा हाथ में ले रहे हैं तो देश का फ्लैग है। ना करें हम अपना निकाल लेंगे, इनसे मजबूती से निकाल लेंगे और ट्रैक्टर के साथ में निकाल लेंगे। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर, दिल्ली।